ओके, सो एट 12 o'clock यू आर हैविंग अ लेक्चर ऑफ फिजियोलॉजी, राइट? यस मैम। सो वंस देर इज अ 12 o'clock इन योर क्लॉक, प्लीज लीव द मीटिंग बिकॉज 1 or 2 minutes मे बी हियर एंड देयर. सो आई विल सेंड यू द लिंक, जो भी आपका लास्ट रह जाएगा आई विल सेंड यू लिंक. क्लियर? यस मैम। जो भी यस पार्ट, मैम। जो भी किसी भी पार्टिसिपेंट का जो भी रह जाएगा, यू कैन हियर इट, यू कैन लिसन इट अगेन फ्रॉम द यूट्यूब. आई विल शेयर यू द लिंक एज सुन एज यू वॉन्ट कि मुझे अभी फिजियोलॉजी ज्वाइन करना है, यू कैन लीव, बट ओनली प्लीज टेक द अटेंडेंस हु इज टेकिंग एवरी डे एंड पोस्ट इट ऑन ग्रुप. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट एफोरिज्म नंबर 31. हियर अगेन डॉक्टर हैनिमन हैज गिवन द सुपीरियरिटी ऑफ द मेडिसिन. So he said that the inimical forces. एक मिनट, प्लीज रीड somebody. भाग्यश्री, जस्ट रीड एफोरिज्म. The inimical forces partly psychical, partly physical, to which our terrestrial existence is exposed, which are termed morbific noxious agents, do not possess the power of morbidly derange the health of man unconditionally, but we are made ill by them only when your organism is sufficiently disposed and susceptible to attack of the morbific cause that may be present and to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensations and functions. Hence, they do not produce disease in every on one nor at all times. Very good. So here again, they have given the second factor of the superiority of the medicine. In the first, that is in the aphorism number 30, he said that ki dose in our hand, that is the one thing. Second thing, what is given? The inimical forces, that means the natural disease or the natural morbific agent. So these inimical forces, they are partly psychical, that means they may create the mental symptoms, or partly physical, they can create the physical symptoms to you. So the patient may have the mental symptoms or the patient may have the physical symptoms because of these inimical forces to which our terrestrial existence is exposed, which are termed morbific noxious agents. So in the previously we have seen artificial morbific agent. So artificial morbific agent yani kya? What is art? Medicine. And now here he has given natural morbific noxious agent. So natural morbific natural agents yani kya? Disease agents, right? So that disease forces or the disease agents, they are inimical to us, correct? They are beneficial or they are harmful? Diseases are beneficial or harmful? Harmful. That's why they are the inimical. वो हमारे दुश्मन है. So जो दुश्मन जो है हमारे, they are known as natural morbific noxious agent. तो वो दो types के है, psychical and physical. So कभी कभी हमको mental symptoms के भी patients मिलेंगे, तो कभी physical symptoms के हमको patient मिलेंगे. मेंटल सिम्टम्स के पेशेंट हमको कैसे मिलेंगे? द पेशेंट इज मच मोर एंशियस, हमेशा वो पेशेंट चिंता करते रहता है, आइदर ऑफ डिसीज और ऑफ फ्यूचर, या फिर किसी भी चीज़ का, अपने भाई बहन की, अपने माता पिता की, अपने रिलेटिव्स की, किसी की भी वो चिंता करते रहता है हमेशा, पढ़ाई की चिंता. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज हैविंग द इरिटेबिलिटी, द पेशेंट मे हैव द कन्फ्यूजन, द पेशेंट मे हैव द सम डिल्यूजन्स, यानी वो फॉल्स बिलीफ उसको होता है कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा. द पेशेंट में भी सुपरस्टिशियस, ये सब सिम्टम्स हमको मेंटल कंडीशन में मिलेंगे. द पेशेंट में हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिया,
क्लेप्टोमैनिया हो सकता है, उसको हाइट से डर लग सकता है, उसको फायर से डर लग सकता है. सो दीज आर ऑल द शेड्स ऑफ द मेंटल सिम्टम्स. ये हमको मिल सकते हैं इफ दैट इनिमिकल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अवर माइंड. या फिर पेशेंट हिस्टीरिक हो सकता है, पेशेंट वायलेंट हो सकता है, द पेशेंट मे हैव द इल्यूजन, पेशेंट मे हैव डिल्यूजन. सो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुद के बारे में बोलने वाला पेशेंट जिसको हम कहते हैं, या डबल पर्सनैलिटी वाला. सो दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ द मेंटल सिम्टम्स. फिजिकल सिम्टम्स वी नो, कफ, कोराइजा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, दीज आर ऑल द सिम्टम्स विच अपियर फिजिकली. सो ये जो एजेंट्स रहेंगे, सो डिपेंडिंग अपॉन द ससेप्टिबिलिटी, दे विल एक्ट ऑन अवर बॉडी. दे रिक्वायर्ड वन थिंग, ये एजेंट्स को, दैट इज अ मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट को, हमारे बॉडी में एक्ट करने के लिए दे रिक्वायर वन कंडीशन, दैट कंडीशन इज गिवन इन द एफोरिज्म नंबर 32. बट हियर दे हैव गिवन कि द मेडिसिन डू नॉट रिक्वायर्ड एनी कंडीशन टू एक्ट ऑन अवर बॉडी. दे हैव द पावर टू एक्ट ऑन अवर बॉडी. द मेडिसिन कैन डिरेंज अवर हेल्थ एंड द सेम मेडिसिन कैन क्योर अवर योर डिसीज. बिकॉज प्रीवियसली ओनली वी हैव सीन द मेडिसिन विच कैन कॉज द डिसीज, दैट सेम मेडिसिन क्योर योर डिसीज. सो दिस इज द सुपीरियरिटी ऑफ द मेडिसिन, कि इट कैन कॉज द डिसीज, इट कैन क्योर द डिसीज. इट इज हैविंग द पावर टू डिरेंज अवर हेल्थ. डेरिबलेटली वी कैन डिरेंज अवर हेल्थ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन. दैट इज नथिंग बट द प्रोसीजर इज ड्रग प्रूविंग. एंड वेन इन द सेकेंड कंडीशन, वेन दैट वाइटल फोर्सेज डिरेंज, वी हैव टू रिस्टोर द हेल्थ. इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी आर यूजिंग दैट पावर ऑफ द मेडिसिन एंड वी आर रिस्टोरिंग द हेल्थ. वी आर मेकिंग दैट पर्सन सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. सो इन बोथ द वे द मेडिसिन इज एक्टिंग. समझ रहा है? आर यू गेटिंग द थिंग्स? या मैम, एवरीवन, यस मैम, सो उनको वहां पे मेडिसिन को ऐड करने के लिए कोई कंडीशन लगी है. यू हैव रीड दैट ड्रग प्रूविंग, पूरा चैप्टर पढ़ा है ना आपने ड्रग प्रूविंग का. कहीं पे भी ऐसा मेंशन किया है कि दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड सो दैट दैट मेडिसिन विल एक्ट ऑन द प्रूवर? कहीं कंडीशन लिखी है कि मेडिसिन हमको सुबह ही देनी है, शाम में ही देनी है, या मेडिसिन हमको पानी में ही देनी है, या हमको स्ट्रॉन्गर मेडिसिन ही देनी है, वीकर नहीं देनी है, हीरोइन ही देनी है हमको? ऐसे कहीं कंडीशन मिली आपको पढ़ने में ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग? हाँ या ना? नो मैम। नो. वीकर मेडिसिन भी आपको एक्ट करती है, सिर्फ आपको डोज ज़्यादा बार देना पड़ेगा. स्ट्रॉन्गर मेडिसिन भी उतनी ही एक्ट करेगी. हीरोइन है, कोई दूसरा कोई मेडिसिन है, वो भी वैसे ही एक्ट करेगा. सिंपल मेडिसिन भी आप अगर देते हो, बेलाडोना एकोनाइट जैसा, सो दे आर ऑल्सो एक्टिंग. दे डू नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन. सेम थिंग ही इज हियर, इट इज गिवन बाय डॉक्टर हैनीमन. डू नॉट पजेस द पावर ऑफ मॉर्बिडली डिरेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन अनकंडीशनली. अनकंडीशनली मीन्स वॉट? वॉट यू मीन बाय अनकंडीशनली? Without any condition or requirement like that. Yes, without any condition or requirement. Whenever you are having any scheme, आपको कभी कभी ना वो कोई चिप्स के पैकेट में लिखा रहता है, या इफ़ यू आर यूजिंग द कोल्ड ड्रिंक, दैट इज बैड फॉर हेल्थ, लेकिन सिर्फ मैं एग्जाम के लिए एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ यहाँ पे. या फिर कोई भी चीज़ आप अगर उस खरीदते हो फ्रॉम द शॉप, अगर आपको कोई गिफ्ट उसमें लिखा रहता है कि उसमें पेंसिल मिलेगी या शार्पनर मिलेगा या कोई टैटू ही मिलेगा, तो वहाँ पे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. अगर आप 3 लोगे तो आपको टैटू मिलेगा, अगर आप 4 लोगे तो एक बिस्किट का पैक मिलेगा. पता है ऐसी कोई स्कीम आपको? कभी आपने सुनी है? 3 पे 1 फ्री रहता है बहुत बार, लेकिन वहां पे स्टार देके लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. पता है आपको? से यस और नो? यस मैम, पता है। यस पता मैम। है ना? सो टर्म्स
टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, यानी आपने अगर तीन खरीदा तो ही आपको वो टैटू मिलेगा, अगर आपने तीन चीजें खरीदी तो ही आपको फोर्थ वन फ्री मिलेगी, वहां पे ऐसी टर्म लिखी रहती है। अगर आपने दो ही कोई चीजें खरीदी है तो आपको टैटू नहीं मिलेगा, दैट इज अ टर्म एंड दैट इज अ कंडीशन। समझ रहा है? या मैम। इफ यू परच, अगर वहां पे स्कीम है कि तीन डेरी मिल्क अगर आपने खरीदी है वो भी ऑफ 30 रुपीज तो ही आपको फोर्थ फ्री मिलेगा, अगर आपने दो ही डेरी मिल्क खरीदे हैं ऑफ 30 रुपीज तो आपको एक फ्री नहीं मिलेगा, दैट इज अ टर्म एंड दैट इज द कंडीशन। सो सिमिलरली द मेडिसिन डू नॉट रिक्वायर सच कंडीशन, दैट इज अनकंडीशनली, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड ये वर्ड नहीं है, दैट इज नोन एज द unconditionally. So the medicine do not have any condition to act on our body. They make us sick and they can attack on the morbific agent and they can alter that state to the health. They can derange our vital force. They can create the abnormal sensation and functions and they can remove the disease and they can make that person healthy at all the times. सुबह दोपहर शाम कभी भी हम मेडिसिन प्रूवर का दे सकते हैं एंड सुबह दोपहर शाम कभी भी हम लोग मेडिसिन पेशेंट को भी दे सकते हैं. सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन द हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस दिस डिसीज इन वंस नॉर आउट एट दैट ऑल द टाइम्स बट द मॉर्बिफिक एजेंट्स जो नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट्स है they do not produce the disease in every individual at all the times. जैसे हमारी medicine कर सकती है वैसे natural morbification नहीं कर सकते, they require the condition. So this is the difference between the natural morbific agent and the artificial morbific agent. So artificial morbific agent, they are acting, that is the medicines are acting on our body unconditionally. They do not require any condition. They can act on the healthy person. They can act on the diseased person. If you are giving it to the healthy person, they will give you the signs and symptoms. That is deliberately we are giving. But when we are giving on the patient, they will restore the health. They will alter the present state and that patient may get the cure. So, यहाँ पे कहीं पे भी हमको condition नहीं मिली है. लेकिन जब natural morbific agent when they want to act on our body, when they want to create the abnormal sensation and functions, they require one condition. They will not act all the times on our body. Samjha ye difference? They require condition. Medicine do not require any condition. Medicines acting all the times. Natural morbific agents cannot act at all the times. समझा है ये? Yes, ma'am. No. नहीं समझा? Ma'am, literally it is not understood, ma'am. हाँ? Ma'am, it's not understood that properly, ma'am. एक मिनट, हाँ मैं फिर से बोलती हूँ. A natural morbific agent को एक condition चाहिए हमारे body पे act करने के लिए, and that condition is low susceptibility. So if you are having the low susceptibility, तभी वो natural morbific agents जो है, यानी बारिश में भीगना या sun में बहुत बार ज़्यादा देर खड़े रहना या बाहर को कुछ खाना, ये कब होगा आपको? जब आपकी immunity low है. So that condition is required by natural morbific agent. ऐसी कोई condition हमको नहीं लगती है when you are giving the medicine. Low susceptibility हमको नहीं चाहिए drug proving में. हमने कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं पढ़ी है कि ससेप्टिबिलिटी इतनी चाहिए तो ही हम ड्रग प्रूविंग करेंगे. सो द मेडिसिन आर एक्टिंग अनकंडीशनली, यानी उनको लो ससेप्टिबिलिटी की कंडीशन नहीं चाहिए. ऑन द अदर हैंड द नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट्स जो है, यानी कॉज ऑफ द डिसीज जो है, दे रिक्वायर द वन कंडीशन, दैट इज द लो ससेप्टिबिलिटी. एंड हेंस इट इज सेड दैट कि मेडिसिन कैन एक्ट एट ऑल द टाइम एंड unconditionally, but जो disease factors है they require the condition
एंड दे कैनॉट बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन दे कैनॉट एक्ट ऑल द टाइम. जब वो पेशेंट 100 लोग बारिश में भीगते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 20 ही लोगों को सर्दी खांसी होती है, क्यों? भीगे तो सब है ना, सिर्फ 20 लोगों को ही क्यों सर्दी खांसी हुई है? यस, सो जो बारिश में भीगना है, सो बारिश आ रही है, दैट इज दिस इज प्रोड्यूसिंग फैक्टर. सो वो सिर्फ 20 लोगों के बॉडी में क्यों एक्ट कर रही है? क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी लो है. सो इट रिक्वायर्स द कंडीशन. लेकिन मैंने 100 लोगों को ड्रग प्रूविंग के लिए चूज किया, मैंने 100 लोगों को पेशेंट दिया, उसमें से सब लोगों को सिम्टम्स आ गए. सो व्हाट इज दिस? यहाँ पे कंडीशन लगी है, सबके सब ने मुझे सिम्टम्स दिए. यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई हुई है? नो मैम. सो मेडिसिन डू नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन, बट द डिसीज फैक्टर्स रिक्वायर द वन कंडीशन. मेडिसिन एक्टिंग अनकंडीशनली, डिसीज फैक्टर रिक्वायर कंडीशन. मेडिसिन एक्टिंग ऑन ऑल द टाइम्स, डिसीज फैक्टर्स एक्टिंग इफ द कंडीशन इज फुलफिल. अगर ससेप्टिबिलिटी लो है तो ही हमको डिसीज होगा, नहीं तो हमको डिसीज नहीं होगा. ओके, यू कैन लीव बिकॉज इट्स नाउ अबाउट 11:58. जो 2 मिनट का रह जाएगा दैट यू कैन हियर फ्रॉम द यूट्यूब. इकरा, ये समझा है क्या? यस मैम, नाउ अंडरस्टैंड मैम. एवरीवन? ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन लीव, ओनली 2 मिनट्स आर रिमेन टू कम्प्लीट इट एंड इमिडिएटली आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. सो दिस मेडिसिन विच डू नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन बट द डिसीज फैक्टर रिक्वायर द कंडीशन, दिस एंड द मेडिसिन एक्ट ऑल द टाइम्स बट द डिसीज फैक्टर्स आर कैनॉट बी एक्ट ऑन ऑल द टाइम, दे रिक्वायर वन कंडीशन दैट इज द लो ससेप्टिबिलिटी. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन लीव एंड यू कैन जॉइन द फिजियोलॉजी लेक्चर. मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ 2-3 मिनट के लिए. यू कैन लीव because your physiology lecture is there on 12 o'clock. So in the aphorism number 30 and 31, Dr. Hanuman has given how the medicines are superior. So these medicines are superior. They do not require any condition. Medicines act unconditionally in the body. They do not require any precondition. Disease, on the other hand, are always conditional. They sometimes are very conditional. So the condition is that is a low susceptibility. If the patient is having the susceptibility higher, that person may not have any disease. Disease forces can make a person sick only if he is abnormally susceptible. They always require some suitable predisposing circumstances which weakens the vital force. When vital force is weakened, the disease forces affect the organism without any obstacle. These circumstances may be acquired or these circumstances may be the hereditary one. Whenever that person is exposed to the noxious inimical forces, if they are having the low susceptibility, low immunity, they can have the disease. But if they are having the higher susceptibility, they will not having the disease. So sufficient for the sufficient disposal, the person towards the disease, the person should have the low susceptibility. This condition is required. But on the other hand, medicine act irrespective of the time, irrespective of hour, irrespective of the season. They act at all the time, all the season, at any hour of the day, at any particular area. Nothing is required on any time. Even the medicines can act on any socio-economical condition also, any hygienic condition, any environmental condition. So they do not require any particular circumstances to act on the human beings. They are acting all the time. We can start the drug proving at the night. We can start the drug proving in the rainy season. We can start the drug proving in the unhygienic condition. It is not matter.
सिमिलरली इन द पेशेंट ऑल्सो, पेशेंट हमारे यहाँ पे स्लम एरिया का भी आया है या बहुत अच्छे एरिया का भी आया है, उसको सर्दी खांसी है, उसको कैंसर है, कोई भी डिसीज रहे, द मेडिसिन विल हेल्प टू क्योर दैट पेशेंट. सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर मेडिसिन. सो टुमारो अगेन वी विल टेक द ससेप्टिबिलिटी, दैट इज एफोरिज्म नंबर 30 and 31. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी और यू कैन गिव द मैसेज और बाय एनी वे यू कैन आस्क. ओके, दोज पार्टिसिपेंट्स आर हियर विथ मी, प्लीज जॉइन फिजियोलॉजी क्लास. Or if you have any problem, you just ask. Otherwise, you can leave. I'm ending this meeting here.